राम राम सीताराम सबको। तो अभी थोड़े दिनों से बारिश बंद हुई है और ये जो घास हो गया था उसको अब काटना शुरू किया है गायों को डालने के लिए। गायों को ये बहुत ही पसंद है, यहाँ पे खुली छोड़ देते हैं तो दौड़ती रहती है, खाती नहीं है, इसलिए यहाँ से काट के ले जाते हैं और उसे खिलाते हैं। मैं पीछे रह गया था और यहाँ कटाई का काम शुरू हो गया। तो आज फिर से आए हैं भारती हुई रामदेव माँ। 2 दिन पहले आए थे, वापस 2 दिन बाद आए। सीताराम एक लो ना तो क्या टाइगर तो आज आए हैं पर्वत मामा, मयूर, फिर दही फूई और सब आए हैं मम्मी को, हम जो पहली बोलते हैं वो देने के लिए। यह वीडियो तो थोड़े दिन पहले का है लेकिन डालना भूल गए थे तो आज याद आया। हमारे में तो होता ही है पहली देना, आप में होता है या नहीं पता नहीं, वो कमेंट में बताना। तो जटायु आया है यहाँ पे चारा देखने। हम जिधर भी जाते हैं वहीं पीछे पीछे चला आता है। अभी वो माँ के पीछे जाएगा लेकिन वो घोड़ी के पास जा रहे हैं, तो वहाँ नहीं जाने देना है। तू हमारा भेगो आई जागड़ी खड़ी कर। जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ पीछे पीछे ही चलता रहता है, या हम जहाँ बैठे होते हैं वहाँ आके सो जाता है। ज़्यादातर ये नींद ही करता है। न जाता ही, तो उसका टाइम भी हो गया है दूध पीने का। आ लकड़ी जाइए, आ लकड़ी जाइए। हले भाई, हाँ हाँ हल। ये बोल रहा है कि मुझे दूध पीना है। अभी इसने शायद दूध भी पी लिया, पी लिया है तो चलो मुझे पीने है तो जाओ। ए या देखो सर ऐसा कर रही है। ये भी डर रहा है अभी इससे। हाँ कटने दो मैं उसको। हाँ सॉरी को नींद आ रही। मैं और जटायु भी आज सो रहे थे एक साथ में एक खटिया पे। जटायु पहले सुलाया, बाद में ठंड लग रही थी मुझे भी, ऐसी चालू थी क्योंकि तो हम दोनों कंबल ओढ़ के फिर सो गए। उठे तो उठे तो इसने सारी खटिया गीली कर दी थी। लेकिन अच्छी बात है मैं गीला नहीं हुआ क्योंकि अभी छोटा बच्चा ही है, 8-9 दिन का हुआ है अभी तो।
तीन बार उसने ट्राई की लेकिन तीन में से एक भी बार चटाई आया नहीं है उसकी लात में। चलो तो ये इसलिए उसके साथ में रहना पड़ता है। अभी मैं देखना अंदर घुसूंगा ना घर के तो ये भी पीछे पीछे घुसते, पहले अंदर नहीं आता था, ऐसे बाहर किसी को नहीं दिखता ना तो अंदर आ जाता है, क्योंकि इसको पता है कि अगर बाहर कोई नहीं होगा तो अंदर तो हो गई कोई भी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सीताराम सबको। तो अभी यहाँ पर मम्मी काट रही है घास वहाँ पर, यहाँ पर नदी के किनारे। ये नदी में बादल बादल देखो कैसे मस्त लग रहे हैं। बिल्ली भी आई, यहाँ पर आ जाओ। दोनों आए, एक वहाँ पर एक ही आया। ये देखो पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है। रुको रुको, भाग के कहाँ जाना है तुमको? और एक बेड नहीं उसे। मम्मी अभी तो ठीक हुई थी, उनके पैर और इतने में मेरा हाथ में लग गई। स्कूल पे हमारे स्पोर्ट्स डे में रेस थी तो उसमें दौड़ रहे थे हम, उसमें पैर में पत्थर आया तो गिरा तो पूरा हाथ मुड़ गया था और पूरे में सूजन आ गई थी, तो डॉक्टर को तो दिखा लिया था। हाँ तुम गिरी तो वहाँ पर बावड़ा है उसमें घुस जाओगे। तो भी थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने ऐसे हिलाने का बोला है लेकिन इतने में भी दर्द बहुत कर रहा है इतने में भी। तो भी मम्मी यहाँ पर काज कर रही है और हम चलते हैं इस तरफ। चटाई तो रही है अभी उस तरफ है, तोरी काज कर रही थी और चटाई अंदर बंद था थोड़ी देर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही उसको दूध पिलाया था तो सो रहा था इसलिए अंदर। फिर यहाँ पर हमारा गजानन विक्रांत पूनम गोपली रिथि रथा कृष्णा और स्थिति गोपली। ये देखो गायों में यहाँ पर पूनम, यहाँ पर एक कृष्णा, यहाँ पर स्थिति। पूनम को भी ना एक लंपी का जो वो फोड़ा जैसा होता है ना वो हुआ था लेकिन फिर फूट गया था वो, तो उसको एक ही था, दूसरे कहीं पर तो हमें दिखा नहीं है, यहाँ पर था। उसको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर दवाई लगाएंगे हम तो इसलिए थोड़ा सा वो ऐसा कर रही है। दूसरे किसी को नहीं था और इसको भी वैसे था नहीं लेकिन वो एक हुआ था और एक होके फूट गया, दूसरा कहीं पर भी नहीं था, तो ये अच्छी बात है कि पूनम को लंपी हुआ नहीं, क्योंकि उसको वैक्सीन दिला दी थी ना इसलिए। ये देखो कहाँ पर कुछ चढ़ के बैठे, आ जाओ नीचे। चलो हाँ